हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेक्चर सेकंड के बारे में। कल वाले वीडियो में हमने 30 एमसीक्यूज किए थे, आज हम उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप जेके एसएससी एसएससी सीजीएल रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा। पहले हमने 30 क्वेश्चन किए थे। 31st क्वेश्चन में बताया गया हु अमंग द फॉलोइंग सेज दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज एन एक्सटेंशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस द इंग्लिश हैड ऑलरेडी इनिशिएटेड। तो ये किसके द्वारा ये जो है कहा गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, मार्क्स मुलर के द्वारा या बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा? सो आंसर क्या रहेगा? आंसर आपका यहाँ पे ए बनेगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर है, ठीक है। कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 एक एक्सटेंशन है सोशल प्रोग्रेस की, द इंग्लिश हैड ऑलरेडी इनिशिएटेड। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से लेके 1859। तो इसमें से कौन सा जो है ऑथर है सिविल रेबेलियन का इंडियन म्यूटिनीज के अंदर 1857 से 59? आर सी मजुमदार, पी सी जोशी, एस पी चौधरी या बी डी सावरकर? सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर सी, एस पी चौधरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको बोला जाता है रिपोर्ट ऑफ 1857 एज कॉन्स्पिरेंसी, ठीक है। हु कॉल द रिपोर्ट ऑफ 1857 एज कॉन्स्पिरेंसी? सर जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस, टी आर होम्स? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर ही, ठीक है। तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर जो है इनको बोला जाता है हु कॉल द रिपोर्ट ऑफ 1857 क्या बोला गया इनको, इन्होंने क्या बोला? एज कॉन्स्पिरेंसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हु टर्म्ड एज अपराइजिंग ऑफ 1857 एज अ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? ये बी ए स्मिथ, पी रॉबर्ट्स, बी डी सावरकर या ऑल ऑफ दिस? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर आपका सी बनेगा, बी डी सावरकर, ठीक है। तो बी डी सावरकर के द्वारा ये बात की कही गई 1857 एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जहां पे देख सकते हैं जो टर्म है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको पॉपुलराइज किया विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा इन 1909 इनकी एक बुक में, ठीक है। तो बुक का क्या नाम है? द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, विच वॉज ओरिजिनली रिटन इन, किस में लिखी गई थी? मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी। और जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, इंसिस्टेड ऑन यूजिंग द टर्म फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस टू रेफर टू द इवेंट एंड टर्मिनोलॉजी वॉज अडॉप्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आंसर आपका सी बनेगा, बी डी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 35, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज, ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के? आर सी मजुमदार, तारा चंद्रा, उसके बाद बी डी सावरकर या एस एन शॉ? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे एस एन शॉ, एस एन शॉ इसका राइट आंसर है। तो ऑफिशियल हिस्टोरियन थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज, ठीक है। तो पहले इंडियन कौन थे जिनके द्वारा ये लिखा गया था इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज? तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन सईद अहमद खान, बी डी सावरकर, बंकिम चंद्र चैटर्जी या नन ऑफ दिस? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर है, ठीक है। तो सईद अहमद खान, ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखा गया है तब इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अभी हमने डिस्कस किया। तो बी डी सावरकर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब? कमांडर इन चीफ कौन था नाना साहिब की अगर बात करें? आजिमुल्ला थे, ब्रिजिश, कदर, तांतिया टोपे या नाना ऑफ दिस? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी, तांतिया टोपे। तांतिया टोपे जो थे कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इसमें से आपने स्टेटमेंट को मार्क करना जो करेक्ट है, ठीक है। आर सी मजुमदार डिस्क्राइब द 1857 रिवोल्ट एज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस या सेकेंड स्टेटमेंट दी गई है जहां पे टी आर होल्स डिस्क्राइब 1857 रिवोल्ट एज कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरियन या ऑप्शन सी जहां पे देख सकते हैं पार्ट थर्ड में, नेहरू सेड दैट 1857 रिवोल्ट वाज नथिंग बट इन हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? आंसर आपका सी बनेगा, जहां पे सी यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू है, बाकी आपकी थर्ड वाली गलत है। तो आंसर सी बनेगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 जहाँ पे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग, आपने जहाँ पे एक साइड आपको बुक्स दी गई है, दूसरी साइड आपको ऑथर्स दिए गए हैं, तो आपको इसमें इसको मैच करना है। तो जहाँ पे कॉजेस दिए गए हैं, जहाँ पे बुक्स दी गई है, यहाँ पे ऑथर्स दिए गए हैं, ठीक है, बुक्स का नाम और ऑथर्स का नाम, इसको हमने कोर्स में इसको जहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सो आंसर बनेगा आपका सीधा, जहाँ पे आंसर बता देता हूँ आपको, आंसर बी बनेगा जहाँ पे, ठीक है। तो बी आप ये देख सकते हैं, ए का थर्ड है, बी का सेकंड है, फर्स्ट है, सी का फोर है और डी का आपका सेकंड है, ठीक है, ठीक है। तो आपका ए का थर्ड है, ए का थर्ड है, उसके बाद बी का आपका फर्स्ट है,
बी का जो सेकंड वाला ये फर्स्ट है और सी का आपका फोर है, ये आपका सी है और ये आपका फोर बन गया। उसके बाद अगर बात करें डी का सेकंड है, ठीक है, तो डी का आपका ये बन गया सेकंड। तो ये इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एट मेरठ, मंगल पांडे हैड बिकम अ मार्टियर ऑन 29 मार्च 1857, ही वाज हैंगड। यानी कि पहले जो थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो पहले कौन थे जो मार्टियर हुए थे 1857 रिवोल्ट की बात करें तो जहाँ पे बात की गई है मंगल पांडे की, ठीक है, तो मंगल पांडे को हैंग किया गया है कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे उनको जो है फांसी दी गई थी, लखनऊ के अंदर, बैरकपुर, कलकत्ता या मेरठ। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर भी, ठीक है, बैरकपुर के अंदर। ये क्वेश्चन भी मंगल पांडे से रिलेटेड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे इज एसोसिएटेड, कौन सी अपराइजिंग में जो मंगल पांडे जो एसोसिएटेड थे, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या नानाथी। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे बी, मेरठ से, ठीक है। तो एक्चुअली जो 1857 का रिपोर्ट था वो मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी, अगर बात करें इंडियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो थे वो किस मतलब किस किसका पार्ट थे, किसका सोल्जर थे वो, अगर बात करें मंगल पांडे, ठीक है, तो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे, 5th रॉयल गोरखा राइफल्स के थे, मद्रास लाइट कैवलरी के थे या नानाथ। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे ई, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में मंगल पांडे के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, 34 नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर, बैरकपुर में उस समय ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, हेनरी लॉरेंस, कॉलोनल फिनिस, रिचर्ड हैरिस या सर ह्यूज व्हीलर। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे सी, रिचर्ड हैरिस से जो ये पर्सन जो थे ये ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे बैरकपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से, ऑप्शन सी, मेरठ से, मेरठ से स्टार्ट हुई थी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इंडियन म्यूटनी जिसको बोलता है स्पॉय म्यूटनी, आप उसको आप फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। ये वाइड स्प्रेड अनसक्सेसफुल रही रेवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये 1857 से 1859 तक रही। स्टार्ट कहाँ से होती है, मेरठ से, बाय इंडियन ट्रूप्स सिपाइज के द्वारा की गई इन द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इट्स स्प्रेड उसके बाद ये दिल्ली में हुई, आगरा में, कानपुर और लखनऊ में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट ए रीजन फॉर मेकिंग द स्पाई ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेलीज, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी था, तो ऑर्डर ऑफ द स्पाई टू ट्रैवल ऑन शिप्स द स्टॉपेज ऑफ बता था या इन एफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर, उसमें से कौन सा रीजन नहीं रहा है। तो आंसर आपका सी बनेगा जहां स्टॉपेज ऑफ बता, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, टू होम द रेबल सोल्जर फ्रॉम मेरठ डिक्लेयर्ड एम्परर ऑफ इंडिया आफ्टर सीइंग दिल्ली ऑन 12th May 1857, शाह आलम सेकंड था, बहादुर शाह जफर था, उसके बाद बख्त खान था या अकबर सेकंड था। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर भी बहादुर शाह जफर, ठीक, बहादुर शाह जफर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, हु अमंग द फॉलोइंग डाइड इन एग्जाइल, यानी कि ऐसा पर्सन कौन था जिसकी डेथ जो है जेल के अंदर ही होगी थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई थी, बहादुर शाह जफर थे, तांतिया टोपे थे, नाना साहिब। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर पी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की डेथ होती है 1862 के अंदर, कहां पे होती है, एक रंगून की जेल के अंदर, इनको जो है रंगून की जेलों में डाला गया था, रंगून की जेल में इनकी डेथ हुई है 1862 के दौरान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ, तो लखनऊ से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन जहां पे पूछा गया, जीरत महल थे, नाना साहिब थे, हजरत महल थे या तांतिया टोपे। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर सी, हजरत महल, हजरत महल इसका राइट आंसर है। ये लीडर थे 1857 स्ट्रगल के, कहाँ से, लखनऊ से, ये लखनऊ से जो है लीड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 50, द रेवोल्यूशनरी वूमेन हु लेड टू द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन आवर, आवर से किस वूमेन ने, किस वूमेन के द्वारा 1857 रिवोल्ट को लीड किया गया, लक्ष्मीबाई, आहिल जबाज, अरुणा आसफ अली या बेगम हजरत महल। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर डी, बेगम हजरत महल, ठीक है, तो बेगम हजरत महल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द स्पाइज एट कानपुर इन द 1857 अपराइजिंग, तांतिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब या कणवर सिंह। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे सी, नाना साहिब इसका राइट आंसर है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, इस वीडियो के अंदर हमने 51 MCQs को कवर कर लिया है। आने वाले वीडियो में हम एक या दो वीडियो में 49 MCQs को कवर करेंगे और आपके 100 से ज्यादा MCQs को हम कोशिश करेंगे, 100 से ज्यादा हम MCQs करेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
इस तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चन इसको कवर करेंगे, जितने भी इसमें टाइप बनती है क्वेश्चन को उसको हम कवर करते जाएंगे, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप रिपोर्ट ऑफ 1857 की आसानी से उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।